कि पहले हमने देखा था कि हम वेरिएबल के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें नम वन था 10, नम टू था 20, और हम एक नया वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें नम वन प्लस नम टू कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब हम किसी वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो टेक्निकली उसकी वैल्यू हमें मिलती है। तो नम वन की जगह पे हमें 10 मिलेगा, नम टू की जगह पे 20 मिलेगा और आंसर 30 कैलकुलेट होके इसमें सेव हो जाएगा। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे जो भी वैल्यू आएगी वो पहले कैलकुलेट होगी फिर असाइन होगी। तो इस फार्मूले पे जो भी पहले कैलकुलेट होगा फिर असाइन होगा वो हम फिर इस तरह से हमारा आउटपुट आ रही थी। अच्छा, हमने ये अब अंडरस्टैंड करना है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अलावा हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और ऑपरेटर भी हमने शायद कल नहीं डिस्कस किया था, मॉड्यूलस ऑपरेटर, वो भी देख लेते हैं। अगर हम हमारे पास एक नंबर है जी, इसका आंसर क्या आना चाहिए? आंसर को प्रिंट करने के लिए हम कंसोल डॉट लॉग आउटपुट लिखेंगे। अच्छा, 0 आ रहा है। ये कैसे काम करता है? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 और यहाँ पे 9 को सेव करूँगा और दोबारा रन करूँगा तो 1 आएगा। कैसे आता है, मॉड्यूलस कैसे काम करता है कि बाद में आने वाला नंबर पहले आने वाले नंबर पे जितना एट लीस्ट डिवाइड हो सकता है वो होगा, बाकी की वैल्यू फिर उसका रिमाइंडर कहलाती है। तो रिमाइंडर को यहाँ पे हम इस साइन से, मॉड्यूलस साइन से कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं करता हूँ 9 को 5 पे तो क्या होगा? क्योंकि 5 जो है एक दफ़ा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो बाकी आंसर क्या बचेगा, क्योंकि दोबारा वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता तो 4 बाकी बच जाएगा। तो जो बाकी का आंसर है वो हमारे पास 4 आ जाएगा। अगर मैं 10 कर देता हूँ फिर क्या होगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि 5 टू टाइम पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर मैं 12 कर देता हूँ फिर क्या आएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा 10 तक डिवाइड हो गया, बाकी की जो 2 नंबर था वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम हमारे पास जो है वो मॉडुलस का साइन अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद लास्ट टाइम हमने एक और ऑपरेटर भी डिस्कस करना शुरू किया था। ये जो प्लस का ऑपरेटर है ना, ये मल्टीपल मीनिंग रखता है। ये वाहद एक ऐसा अर्थमेटिक ऑपरेटर है जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग्स हैं। एक मीनिंग तो जो हमें समझ में आता है जो मैथमेटिकल मीनिंग है वो क्या है कि 2 नंबर्स का ऐड करना, सम करना, जमा करना, उसको हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं। यही एक साइन हमारे लिए मल्टीपल काम करेगा। जैसे हम, मेरे पास एक वेरिएबल है फर्स्ट नेम, उसमें कोई भी वैल्यू सेव है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमने क्या सेव की है? स्ट्रिंग। क्या सेव की है? स्ट्रिंग सेव की है। इसी तरह एक और मेरे पास स्ट्रिंग है लास्ट नेम, और उसमें मैंने अपना लास्ट नेम सेव कर दिए। अच्छा, अब अगर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ डेट इज़ कॉल्ड फुल नेम, टेक्निकली जो प्लस का साइन है ना वो एक काम करता है जो मैथमेटिकल हमें पता है, 2 + 2 = 4 होते हैं। लेकिन कभी क्या जो इंग्लिश लाइक वर्ड मीन टेक्सचुअल जो डेटा है, यानी जो स्ट्रिंग है हमारी, वो सिंगल कोटेशन हो, मल्टीपल कोटेशन हो, या टेम्पोरल लिटरल्स या परी साइन, इनमें से कोई भी एक साइन हम यूज़ करें और फिर उसके अंदर सम लगा दें, यानी कि मेरे पास 2 वेरिएबल हैं उनके दरमियान मैं ऐसे सम लगा दूं, तो क्या होगा?
इसको हम इस वक्त ये प्लस जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं है, क्या है, कंकैटिनेशन ऑपरेटर है। ये क्या करता है, कंकैट कर देता है, दो चीजों को आपस में जोड़ देता है, तो इसको फिर हम क्या बोलते हैं, कंकैटिनेशन ऑपरेटर। तो प्लस का एक ऑपरेटर, इसके तीन चार डिफरेंट मीनिंग्स हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। अच्छा, हमने एक मीनिंग कल डिस्कस किया था जो दो इंटीजर नंबर को सम करता है। एक एक मीनिंग हमने आज अंडरस्टैंड किया है कि दो नंबर्स को ये आपस में जोड़ देता है, कंकैट कर देता है। इसके और भी मीनिंग्स हैं, जैसे वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे कि वो, क्योंकि वो जब हमारे टॉपिक्स आएंगे तो हम देखेंगे। तो आपने इन दो मीनिंग्स पे अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी है। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट नेम की जगह पे 10 रख दूँ और इसकी जगह पे 20 रख दूँ तो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? सॉरी, उसको हमें प्रिंट भी करना है। थर्टी आ जाएगा, सही है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 10 प्लस 20 तो क्या आंसर आएगा? तो फार्मूला क्या बना कि प्लस का ऑपरेटर तब तक जस्ट मैथ वाली एडिशन करेगा अगर उसके दोनों जमा होने वाले वेरिएबल क्या होंगे, इंटीजर होंगे। अगर उनमें से एक भी स्ट्रिंग है तो फिर दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, कंकैट हो जाएंगे, क्योंकि एक स्ट्रिंग किसी भी इंटीजर के साथ प्लस नहीं हो सकती है। इंटीजर इंटीजर से प्लस, यानी नंबर नंबर से प्लस हो सकता है, और स्ट्रिंग स्ट्रिंग से कंकैट होती है। जब एक तरफ स्ट्रिंग है और एक तरफ नंबर है, जब अगर उन दोनों को प्लस करेंगे तो वो प्लस नहीं होगा, क्या होगा, कंकैट हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, सही। तो ये हमारे, ये भी मतलब प्लस का ऑपरेटर जो है उसकी हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि प्लस के ऑपरेटर का मीनिंग ये है कि वो दो नंबर्स को आपस में कनकैट कर देता है, जोड़ देता है आपस के अंदर। अच्छा, हम फिर भी अब लेट्स सपोज आप ये कह रहे हो कि ये भी एक नंबर है 10, इसके अगेंस्ट में स्ट्रिंग खत्म कर देता हूँ, अब तो 30 आ रहा था ना इस। हाँ, मैं एक और प्लस लगा देता हूँ, उसके दरमियान लगा देते हैं स्ट्रिंग, तो अब बताओ आप क्या होगा। अच्छा, अब उसी तरह ही आएगा ना जिस तरह पहले था, लेकिन दरमियान में एक स्पेस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, उसने इस प्लस ने इसके साथ प्लस होना है, तो उसका आंसर भी, क्योंकि दोनों लेफ्ट राइट दोनों पे में से एक भी स्ट्रिंग है, तो आंसर क्या आएगा, वो तो इशू नहीं है, स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं या डायरेक्ट लिख लें, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि इस वेरिएबल की तो कोई वैल्यू वो नहीं है, असल चीज तो उसके अंदर सेव होने वाली वैल्यू है। तो अगर मैं इसकी जगह पे स्पेस लिख दूंगा तो फिर भी वही बात है, फर्क कुछ नहीं आएगा, आउटपुट सेम आएगी। क्यों? टेक्निकली जब हम वेरिएबल लिखते हैं तो वेरिएबल की जगह पे उसकी क्या आती है, उसकी वैल्यू आती है। तो फर्स्ट नेम की जगह पे क्या आएगा 10, इसकी जगह पे क्या आएगा एक स्पेस, और इसकी जगह पे क्या आएगा 20, ऐसे बनेगा ना। फ्लोट में उसका आंसर आ रहा है, फ्लोट में जो करेगा नहीं, वो पूरा पूरा डिवाइड करेगा बाकी के नंबर को, वो आउटपुट पे शो कर देगा। अगर अगर हम चाहते हैं कि फ्लोट में ही देकर, मतलब कि अगर एग्जैक्ट वैल्यू भी है उसके बाद 0.00 कर दे। मेरा नहीं ख्याल उसने पूरा पूरा डिवाइड कर, लेट्स सी, कोई एक नंबर लिखवाओ जिस पे ये ऐसे जनरेट हो सकते हैं, लाइक 25 को कर ले ऐसे। तो अगर पूरा पूरा जितना डिवाइड हो रहा है बाकी की एक्स्ट्रा वैल्यू उसने उसमें डाल देनी है। होना तो पूरा पूरा डिवाइड है ना किसी भी चीज ने, तो बाकी की वैल्यू तो एक एक्स्ट्रा नंबर होगी। फाइव टेन पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स, तो इसमें से 10 निकाल दें तो बाकी वैल्यू जो है आपका रिमाइंडर होगा। तो टू, पहले 2 आ रहा था, अब क्योंकि 0.25 और हमने इंक्रीज कर दिए तो वो भी इसमें ऐड होना जाएगा। अच्छा, उसके अलावा फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम ऐसे किया तो वो कंकैट हो जाता है। तो एनी ऑफ
प्लस के लेफ्ट या राइट पे कोई भी एक हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसने उसको कंकैट करना है, एडिशन नहीं करनी है, ये बस समझने वाली चीज है। लेकिन हाँ, अगर इसके अगेंस्ट लेट्स सपोज यहाँ 5 प्लस, अब आंसर क्या आना चाहिए टेक्निकली? फिफ्टीन प्लस 20। क्यों ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये यहाँ पे वैल्यू क्या थी 10, ये दोनों आपस में क्या हैं? इंटीजर हैं। तो जब दोनों इंटीजर हैं तो इनका क्या आंसर आएगा? 15। और स्पेस की जगह पे स्पेस आ जाएगी और लास्ट नेम की जगह पे वो वैल्यू आ जाएगी। तो फार्मूला सिंपल है कि अगर प्लस के लेफ्ट और राइट दोनों पे वैल्यू इंटीजर है, मेन नंबर है, तो सम होगा, अदरवाइज सम नहीं होगा, अदरवाइज कैनकैट होगा। तो प्लस का ऑपरेटर कब कैनकैट होगा या कब स्ट्रिंग होगी, आइडिया बन गया ना? फार्मूला क्या है कि प्लस के दोनों साइडों पे वैल्यू नंबर है तो ऐड होगी, अदरवाइज हर केसेस में कैनकैट होगी, चाहे लेफ्ट वैल्यू स्ट्रिंग है, राइट वैल्यू स्ट्रिंग है, कुछ भी है, तो उसमें से एक भी स्ट्रिंग है तो आंसर स्ट्रिंग आएगा। अच्छा, इसमें किसी को कन्फ्यूजन अभी तक? तो हमने प्लस ऑपरेटर देख लिया कैसे काम कर रहा है, और हमने कंकैटिनेशन ऑपरेटर, एडिशन और कंकैटिनेशन में डिफरेंस क्या है वो अंडरस्टैंडिंग हमारी बन गई, और साथ में हमने मॉडुलस ऑपरेटर को फिगर आउट किया है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटर्स की कैटेगरीज हैं हम उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिस तरह हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं ना, अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर आता है, ये सब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। फिर हमने कंकैटिनेशन ऑपरेटर देखा, इसी तरह हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। एक और, उससे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर पे जाने से पहले, हमारे पास एक और किस्म के ऑपरेटर्स हैं, वो स्पेशल किस्म के ऑपरेटर्स हैं, वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है आई, या लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है नम, और उसके अंदर वैल्यू पड़ी है 10, ठीक है। अच्छा, उसी वेरिएबल के अंदर एक मैंने var के अलावा, मैं थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ, मैंने क्या किया, नंबर इक्वल टू 10 देन नंबर प्लस अच्छा कंसोल डॉट लॉग, क्या होगा? अच्छा, आंसर आएगा हमारे पास 20। वो क्यों आएगा? अभी हमने कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं सीखा था, ये हम वेरिएबल बना रहे हैं। अच्छा, एक वेरिएबल को हमने डिस्कस किया था कि एक ही वेरिएबल के नाम से, यानी कि सेम नाम से दो वेरिएबल नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट किया जा सकता है, वो पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप वेरिएबल का नाम देखें ना, इसका नाम है वेरी करने वाली चीज़, चेंज होने वाली चीज़, वेरिएबल को कहते हैं चेंज होने वाली चीज़ को वेरिएबल कहते हैं, इस वजह से इसको वेरिएबल बोला जाता है। तो यानी कि जो रैम में एक बॉक्स हमने लिया है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं रह सकती है, जब तक रखना चाहें आपकी मर्जी है, लेकिन उसी एक बॉक्स की वैल्यू को अपडेट किया जा सकता है। तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास मल्टी एक ये रैम में मेरे पास एक बॉक्स है, अब इसमें इस वक्त ये वाला जो है ना एक पर्टिकुलर वैल्यू है, उसकी कोई क्वांटिटी होगी, कुछ मिली मीटर ऐसी क्वांटिटी है, इसी पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर क्या मैं दोबारा इसको रीफिल नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, इसमें कोई और वैल्यू डाल सकता हूँ, लाइक अगर इसमें वाटर है मैं इसमें कोक डाल सकता हूँ, इसमें कुछ भी डाला जा सकता है और उसकी वैल्यू को कुछ भी बनाया जा सकता है। बात समझ आई है या नहीं? कि अगर इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू सेव है, उसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। चेंज करने का सिंटैक्स क्या है कि मैं बाकी सारा सिंटैक्स वेरिएबल की तरह के, सिर्फ var का कीवर्ड नहीं लगाएंगे। अगर आपको याद हो तो हमने बोला था var का कीवर्ड या रिजर्व वर्ड एक ऐसी टूल है जो ये बताता है रैम में नया वेरिएबल बनाना है, और अगर मैंने ये नहीं लगाया तो फिर उसको क्या पता लगेगा कि रैम में कोई पहले से
वेरिएबल है उसकी वैल्यू को चेंज करना है, कोई नया वेरिएबल नहीं बनाना। तो पहले उस डिब्बे में क्या सेव था, 10। अब मैंने VAR का कीवर्ड नहीं लगाया तो उसको क्या समझ में आया कि पहले वाला कोई ढूंढो, पूरी रैम में से कोई नम करके वेरिएबल है उसको ढूंढो और उसकी वैल्यू को क्या कर दो, चेंज करके 20 कर दो। अब क्या कभी लाइन नंबर 17 के बाद मैं ये 10 वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ? कर सकता हूँ नहीं। देखो लाइन नंबर 16 पे मेरे पास 10 है, क्या लाइन नंबर 17 के बाद मैं कभी 10 रिकवर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। जब एक मेमोरी में, एक सेल में कोई मेमोरी में कोई चीज आ जाती है एक दफा, यानी देखो इसमें अभी इस वक्त वाटर है, अभी तक मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं इसको खत्म करके वाटर इसमें कोक डाल दूं, क्या मैं वो वाटर एक्सेस कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि वो खत्म कर दिया मैंने, तो अब मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। बात समझ आ रही है ना? तो इसलिए अगर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपकी आपका कंप्यूटर खराब हो जाता है, आप अपना डाटा रिकवर करना चाहते हैं, ऐसे होता है ना, और फिर वो डाटा रिकवर या हार्ड इनक्रिप्ट होगी या कोई मसला हुआ, आप अपना सॉफ्ट अपना डाटा इनक्रिप्ट करना, मतलब अपना डाटा रिकवर करना चाहते हैं अपनी हार्ड में से, या कोई मेमोरी सेल आपसे एम्प्टी हो गया, यानी कि आपसे रीसेट हो गया एक तरह से। अब गलती से आपने अपना फ़ोन रीसेट कर दिया, हार्ड रीसेट कर दी या कार्ड रीसेट कर दिया, कुछ भी रीसेट किया, हुआ क्या कि आपके पास बहुत सारे बॉक्सेस थे, उनमें डाटा सेव था, आपने सारे बॉक्सेस फ्लैश कर दिए, फिर आप क्या करते हैं उसको लेके अक्सर हम जाते हैं किसी शॉप पे, उसको कहते हैं इसको रिकवर कर दो। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है वो रिकवर भी हो जाता है, इसके पीछे क्या साइंस है? देखो जब हम किसी मेमोरी को रीसेट करते हैं ना, टेक्निकली वो अपने जहन में ये मशीन कर लेता है कि ये खाली है। अच्छा, खाली होने का क्या मतलब है कि उसमें नई वैल्यू आ सकती है, वो एग्जिस्टिंग सेल्स को हाथ से जाके खाली नहीं करते। देखो मेरे पास लेट्स सपोज 2GB का मेमोरी कार्ड है, मैंने उसमें 2GB डाटा सेव कर दिया, अब उसमें और स्पेस है नहीं। अब अगर मैं उसमें कुछ सेव करूंगा, या तो वो किसी एग्जिस्टिंग सेल को ओवरराइट करेगा, यानी कि उसकी वैल्यू को चेंज करेगा, तो वो नया डाटा आ सकता है, अदरवाइज उसमें नया डाटा नहीं आएगा, एरर आता है कि मेमोरी कार्ड फुल है, ऐसे होता है ना। अगर मैं उसको रीसेट कर दूं सारा, तो फिर क्या कर सकता हूं मैं, अपना डाटा दोबारा ऐड कर सकता हूं। अच्छा, होता क्या है जब हम कोई गलती से चीज़ को रीसेट कर देते हैं, तो वो मेमोरी से जाके चीज़ों को ओवर ख़त्म नहीं करता है, लेकिन वो ये चीज़ इंश्योर कर लेता है कि अगर इसके बाद कोई नया डाटा इसमें कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की जाएगी, वो मैं होने दूंगा, मतलब पुराने डाटा को क्या होने दूंगा, ओवर राइड होने दूंगा। अब सम टाइम जब हम मेमोरी सेल को एम्प्टी कर लेते हैं और उसके बाद जब रिकवर करने की कोशिश करते हैं, तो स्टिल हम उसमें से डाटा निकाल पाते हैं, वो क्यों, क्योंकि अभी तक हमने कोई नया डाटा उसके अंदर सेव नहीं किया था। अगर आपने 2GB डाटा का मेमोरी कार्ड था, उसको रीसेट कर दिया, अब आप दोबारा उसमें 2GB नया कोई डाटा राइट कर दें, राइट कर दें, और आप फिर कहें कि पुराने वाला डाटा मुझे रिकवर करके दें, तो फिर इम्पॉसिबल है। तो एक चीज जब तक रीसेट होने के बाद, कब तक डाटा उसका रिकवरेबल है, जब तक उसमें आपने कोई नया डाटा सेव नहीं किया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम रीसेट करते हैं, टेक्निकली वो मेमोरी सेल से डाटा रिमूव नहीं करता, वो सिर्फ अपनी मेमोरी इंश्योर कर लेता है कि नया डाटा कैन बी रिप्लेस टू अनदर डाटा। हाँ, वो तो कर सकते हैं ना, क्योंकि उससे पिछला, यानी कि जो लास्ट स्टेज थी आपकी, जो पहले डाटा उस पर पड़ा था, फिर आपने रीसेट किया, वो तो आएगा, उससे पीछे वाला नहीं आएगा। अब मतलब समझो डाटा ए था, वो मैंने रीसेट कर दिया, फिर मैंने डाटा बी सेव कर दिया, फिर डाटा बी को भी रिमूव कर दिया, अब डाटा बी रिकवरेबल है, ए कैसे हो सकता है? जब एक, मैं वही बोल रहा हूँ, जब एक एक मेमोरी सेल के ऊपर कोई नया डाटा आ जाता है, तो वो पुराने डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। अच्छा, ये भी इतना इजी नहीं है, जब हम रीसेट कर देते हैं, रिकवर करना फिर भी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि उन वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन खत्म हो जाती है, समझ नहीं आई, उनकी जो भी उन्होंने फाइल सिस्टम, जो भी उनकी लॉजिक्स होती है, वो उसके ऊपर से सारा अपना माइंड हटा लेता है, आप ऐसे समझो सॉफ्टवेयर, जब उसकी कोई लेबलिंग नहीं रही है, तो उसका डाटा रिकवर करना मुश्किल होता है। लेकिन सम टाइम
ऐसे सॉफ्टवेयर लोगों ने लिखे हैं कि उसको वो रिकवर करने के लिए पॉसिबल बनाते हैं, लेकिन वो तब तक रिकवर होता है जब तक कि हम नया डाटा राइट नहीं करते। तो इसलिए जब भी हम रीसेट कर लेते हैं गलती से चीज़, तो अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि इस पर नया डाटा सेव नहीं करना, क्योंकि वो स्टिल चांसेस हैं कि वो रिकवर हो जाए। अच्छा, वो क्यों होता है वो मैंने आपको साइंस समझाई है। अब उसी साइंस का ताल्लुक है इसके साथ कि पहले वेरिएबल 10 सेव था, अब मैंने उसको चेंज करके क्या कर दिया, अब 10 कभी भी रिकवरेबल नहीं है, क्योंकि 10 को चेंज करके क्या कर दिया है, 20 कर दिया। सही है। तो यही बात मैंने समझाई है कि जब हम VAR का कीवर्ड लगाते हैं तो मेमोरी सेल में एक नया वेरिएबल क्रिएट करता है। तो अब हम एक नया वेरिएबल क्रिएट नहीं करना चाहते, हम उसी बॉक्स की वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं इस वजह से। तो देखो ना, दो ऑप्शन है, या तो हम नया मेमोरी सेल यूज क्रिएट कर लें, या हम उसी मेमोरी सेल की वैल्यू को अपडेट कर लें। दोनों में से एक ऑप्शन हमें यूटिलाइज करना है। सही है। और किसी का क्वेश्चन यहां तक? ओवरराइड, इसको बोलते हैं डेटा ओवरराइड, कि मैंने डेटा को या वेरिएबल को चेंज कर दिया, वेरिएबल ओवरराइड कर दिया, उसको चेंज कर दिया, उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है, अब 20 हो चुकी है। सही है। अच्छा, अब एक ही वेरिएबल को मैं जितनी दफा चाहूं ओवरराइड कर सकता हूं, नम 3, इससे क्या होगा, पहले 10 था, फिर 20 हुआ, फिर ऐसे जितनी दफा चाहें हम एक ही वेरिएबल की वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब मैं ये करता हूं कि नम प्लस इक्वल टू नम प्लस 1, तो क्या होगा, कैसे, यहां पे 30 थी, 30 प्लस 1 31, तुम्हारे हमारे पास 31 आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं है? ऑल गुड। सही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये जो ओवरराइड वाला था ये मैं कमेंट कर देता हूं, अब आंसर क्या आएगा, 11 आ जाएगा। इसको एक साथ लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, 11 आ गया। ऐसे ही है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन इसमें? सही है। अच्छा, अगर मैं ये करूं कि इसको नम 1 में सेव करने के बजाय इसके लिए मैं नया वेरिएबल क्रिएट करूं, तो मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता? जितने मर्जी वेरिएबल क्रिएट करते जाएं, उसमें क्या इशू है? वेरिएबल आउटपुट उसमें क्या वैल्यू आएगी? अब लेमन आएगी, और अगर मैं 10 को प्रिंट करता हूं, नम को प्रिंट करता हूं, फिर लेमन आएगी और 10 आएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू तो मैंने चेंज नहीं की। इतनी बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब ये मैंने क्यों पढ़ाया, अभी आपको बात समझ में आएगी। मैं क्या करता हूं, नम को अपडेट करने के बजाय मैं करता हूं नम प्लस प्लस। अभी के लिए हम आउटपुट वाली साइंस को खत्म करते हैं, जस्ट नम वाली साइंस को समझते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। नम प्लस प्लस, प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट मतलब क्यों? क्योंकि वेरिएबल के नाम के बाद में लिखा है हमने प्लस प्लस, तो पोस्ट बाद में आने वाली चीज को बोलते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, नम प्लस 1, तो नम की वैल्यू कितनी थी अभी, 10 थी, तो नम प्लस 1 कितना हो गया, 11। 11 करने के बाद ये क्या करेगा, दोबारा उसी नम की वैल्यू को ओवरराइड कर देगा। तो जो काम हमने ये वाली लाइन और ये जो हमने लाइन लिखी है नम प्लस प्लस और ये वाली लाइन इक्विवेलेंट है, नम इक्वल टू नम प्लस 1, ये दोनों इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट हुई ना। अगर ये भी लाइन क्या करती है, नम के अंदर एक का इजाफा करके उसी नम के वेरिएबल को
चेंज कर देती है। तो नम प्लस प्लस का भी सेम ही काम है, अगर मैं ऐसे करने के बाद प्रिंट करता हूं तो मुझे आंसर क्या आ रहा है 11। टेक्निकली ऐसे ही आना चाहिए ना। तो प्लस प्लस ऑपरेटर के कितने काम हुए, दो। कौन कौन से? एक तो उसने उसी वेरिएबल में एक का इजाफा करना है, प्लस फिर उसी वेरिएबल के जो मेमोरी सेल है उसमें वो नई वैल्यू ओवरराइड कर देनी। देखो इस वाली स्टेटमेंट में कितने काम हो रहे हैं, दो। कौन कौन से? एक मेमोरी सेल से पुरानी वैल्यू को लो, प्लस उसमें एक का इजाफा करो, एडिशन का ऑपरेशन, और फिर उसको ओवरराइड कर दो किसके अगेंस्ट, उसी वेरिएबल के वैल्यू को अपडेट कर दो। बात समझ आई है ना? अच्छा, नम प्लस प्लस आंसर चेक करेंगे तो सेम आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं ये करूं कि अब आंसर क्या आएगा, कैसे? लाइन नंबर 20 पे पहले नम प्लस वन कितना हो गया, 11। 11 किसमें सेव हो गया, उसी वेरिएबल में, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 11। अब नम प्लस प्लस ने भी क्या काम करना था, एग्जैक्ट सेम, एक का इजाफा तो 11 प्लस वन 12, और फिर उसी वेरिएबल को चेंज करना था। अगर एक दफा और नम प्लस प्लस करूं तो फिर क्या होगा, हो जाएगा एक दफा और करें तो एवरी टाइम जब भी नम प्लस प्लस मतलब उसी वेरिएबल में एक का इजाफा कर दो, डेट इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अच्छा, जिस तरह पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसी तरह पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है, उसका मतलब क्या होगा, कौन समझाएगा? दो काम करेगा, एक उसी वेरिएबल में एक का डिक्रीमेंट करेगा और उसी वेरिएबल को रिप्लेस कर देगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट डिक्रीमेंट। तो क्या आंसर आएगा इस केस में, अभी इधर 11 हुआ, फिर इधर, इधर और इधर, तो 12 आ रहा है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर वर्सेस पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की समझ आ गई। यस सर। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, दो काम करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करेगा, उसमें एक का इजाफा करेगा और उसी वेरिएबल की वैल्यू को रिप्लेस कर देगा विद न्यू वैल्यू, या अपर राइड कर देगा बेटर वर्ड। एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, माइनस कर देगा एक और फिर उसको अपडेट कर देगा। अभी तो पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ना, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर अगले में चलेंगे ना, ऐसी कंफ्यूजन होती है। नहीं, स्ट्रिंग पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखो ना, इंक्रीमेंट का मतलब है प्लस वन करना, तो स्ट्रिंग में तो प्लस वन नहीं हो सकता ना, फ्लोट वैल्यू है या कोई भी वैल्यू है उस पर अप्लाई हो जाएंगे प्लस वन, यानी कि इसने प्लस वन सम कर देना जो भी आपकी वैल्यू है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं क्या हो रहा है, कंकैट करी जा रहा है उसकी वैल्यूज को। अगर ऐसे नंबर करें फिर क्या होगा, नॉट अ नंबर, एन ए एन मीन नॉट अ नंबर, उसने एरर थ्रो कर दिया है कि उसको नंबर चाहिए किसी भी नंबर में ऐड करने के लिए, तो जब किसी स्ट्रिंग में आप ऐसे सेव करने की कोशिश करोगे वो, तो वो नॉट अ नंबर कह देगा कि ये नंबर नहीं है आप जिसके अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। ऑल गुड। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि
ये वाला ऑपरेशन भी ख़त्म कर लेते हैं, इसको ऊपर कहीं कमेंट कर देते हैं आपके रेफरेंस के लिए, और इधर से भी हम 8 को रखते हैं अभी के लिए प्लस प्लस, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 11। अच्छा अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि एक और मैं काम करने लगा हूँ, मैं एक और वेरिएबल बनाने लगा हूँ, डेट इज कॉल्ड आउटपुट वेरिएबल, और उसके राइट साइड पे मैंने नम प्लस प्लस कर दिए, और उसके बाद मैंने आउटपुट को प्रिंट कर दिए, और फिर मैंने क्या किया यहाँ पे साथ ही नंबर को भी नीचे प्रिंट कर दिया। अच्छा इसकी कन्फ्यूजन खत्म करने के लिए कि ये आउटपुट वाला ही वेरिएबल है, हम यहाँ पे स्ट्रिंग भी प्रिंट कर सकते हैं आउटपुट, और यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे नंबर, ठीक है। क्या हो गया गौर से देखें क्या हो रहा है, अभी तो आपके सामने है, आप कह रहे दोनों में सेम वैल्यू है, आउटपुट वाला वेरिएबल कितनी शो कर रहे हैं 10 और नंबर वाला 11, पर ये साइंस काम कैसे कर रही है ये हमें समझना है, कैसे काम कर रही है ये साइंस। अच्छा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या था, जॉब क्या थी, दो काम थे, एक उस वेरिएबल में एक का इजाफा करना और उसी की वैल्यू को अपडेट कर देना। अब मैं उसमें एक और टास्क ऐड कर रहा हूं, अब उसके तीन टास्क हो जाएंगे। अगर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे आएगा तो उसके तीन टास्क होंगे करने वाले, क्या मैं कह रहा हूं, अगर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे आएगा तो उसको करने के लिए कितने टास्क होंगे तीन, अगर वो असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे नहीं आ रहा तो फिर वो कितने काम करेगा दो। अब ये तीन काम करेगा क्या, एक काम वही है कि नम के अंदर एक का इजाफा करके एक का इजाफा करना, और दूसरा काम उसी की वैल्यू को अवर राइड करना, दो काम हो गए। तीसरा काम क्या है, अगर ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो ये सबसे पहला काम जो करेगा, जो उसके अंदर वैल्यू पहले से पड़ी है यानी कि 10, उसको पहले निकाल के असाइन करेगा किसको, असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट वाली साइड वाले वेरिएबल को पहले निकाल देगा उसकी वैल्यू को, फिर उसकी वैल्यू में एक का इजाफा करेगा, और फिर तीसरा काम क्या करेगा उसी वेरिएबल को अपडेट कर देगा। तो तीन हो गए, पहला उसने क्या किया, अगर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे आएगा तो वो तीन काम करेगा, नॉर्मली दो कर रहा था, तीन काम क्या है, पहला काम वो ये करेगा कि उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू पड़ी है वो निकाल के पहले असाइन करेगा, किसको असाइन करेगा आउटपुट को, फिर उसमें अपने वेरिएबल में एक का इजाफा करेगा और अपने आप को अपडेट कर लेगा। आपको कंफ्यूजन इसमें, अगर अकेला आउटपुट होता फिर उसने बाद में करना, मतलब पहला अकेला आउटपुट रेड नंबर ना वो कैन नंबर स्टेट में ना करेगा, वो तो मैंने प्रिंट ही कराया, अगर ना प्रिंट कराएंगे स्क्रीन पे तो वो तो वही रहेगा, अल्लाह के बंदे देखो ये लैदा वेरिएबल है, ये लैदा वेरिएबल है, मैं जोन सा वेरिएबल प्रिंट कराऊंगा उसकी वैल्यू प्रिंट होगी ना, नहीं समझे आप, देखो मेरे पास ये दो, एक ये वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू प्रिंट कराऊंगा उसकी होगी ना, तो अब मैंने इस वक्त दोनों की कराई है तो दोनों की होगी, नहीं समझ आई अभी भी, नहीं समझ आ रही, देखो मेरे पास दो डिब्बे हैं, एक एक रैम में कितने डिब्बे हो सकते हैं अनलिमिटेड, जितनी उसकी मेमोरी साइज है, इस वक्त यहां पर कितने डिब्बे बन रहे हैं दो हैं, अब जोन से डिब्बे की वैल्यू को एक्सेस करके शो कराऊंगा उसकी वैल्यू होगी या नहीं, तो यहां पे लाइन नंबर 22 पे किसकी डिब्बे वाली वैल्यू शो करा रहा हूं और लाइन नंबर 23 पे नंबर लगी, तो जब मैं उसकी प्रिंट कराऊंगा तो उसकी शो होगी, जब दूसरे की प्रिंट कराऊंगा तो जब मैं दोनों की प्रिंट कराऊंगा दोनों की शो हो जाएगी,
तो ये फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको ऊपर शो करा दूं अगर, तो पहले नंबर की वैल्यू शो हो जाएगी, या मैं एक ही लाइन में भी शो करा सकता हूं आउटपुट, उसके बाद मैं बोलूंगे नम आ जाएगा और फिर उसके साथ मैं प्रिंट कर दूं नंबर, अब वो एक ही लाइन में शो कर देगा। लेकिन आइडिया ये है कि जिस डिब्बे में से वैल्यू निकाल के शो कर रहा हूं उसने उसकी वैल्यू शो करनी है, मैं जिस भी लेवल पे कर दूं शो, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि वो ऊपर आ रहा है एक आ रहा है। देखो अगर मैं इसको शो नहीं करता तो कितने शो होंगी स्क्रीन पे, एक ही होगी, मैंने क्योंकि एक वेरिएबल की प्रिंट कराई है, अगर दोनों करूंगा तो दो होंगी, किसी एक की करूंगा तो उसकी वैल्यू शो होगी। आउटपुट वाले में पहले वैल्यू साइन कर दी, तो पहले वैल्यू साइन की तो पहले वैल्यू क्या थी, तो फिर उसको वैल्यू क्या मिल गई, पहले वैल्यू उसको देखो पहले वैल्यू 10 थी तो इसको क्या मिल गई 10। तो अब इस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर होगी, इसकी स्टोरी खत्म हो गई है। अब नम के अंदर एक का इजाफा करें तो कितना हो गया 11, तो अब नम में कितनी वैल्यू है 11 और आउटपुट में कितनी है। समझ आ रही है कि नम क्या मतलब क्या है और आउटपुट का मतलब क्या है। ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसको ऊपर कर रहा, देखो इसके साथ में टेक्स्ट भी लिख रहा हूं ताकि मुझे समझ आए कि कौन सा वेरिएबल मैं प्रिंट कर रहा हूं। तो जब मैं जो वेरिएबल प्रिंट करूंगा उसके अंदर जो वैल्यू है वो नजर आएगा, तो अगर मैं इसको नीचे शो करूंगा तो पहले 10 नजर आएगा, वो क्यों नजर आएगा, क्योंकि पहले वो वेरिएबल प्रिंट हो रहा है। तो टेक्निकली देखो इतने सारे डिब्बों में बहुत सारी वैल्यूज हैं, जो चीज जिस टाइम पे आप शो करना चाहते हो आप कर सकते हो, मसला नहीं है। समझ आ गई इस बात की, अभी कोई कन्फ्यूजन है आपको? ओके ओके। अच्छा अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है, मैंने नम प्लस प्लस की जगह पे कर दिया है नम माइनस माइनस, अब बताएं हम क्या होगा, आउटपुट की वैल्यू 10 आएगी और नम की वैल्यू, आप लोग तो जहीन हो, बड़ी जल्दी फिगर आउट कर दिया है। तो नम प्लस प्लस और नम माइनस माइनस क्लियर हो गया। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि नम प्लस प्लस आउटपुट कर दिया एंड देन आउटपुट को हमने माइनस माइनस कर दिया, तो अब क्या वैल्यू आएगी। आउटपुट की कितनी आएगी 9 और नंबर की नंबर 10 ही रहेगा। आउटपुट की 11 हो जाएगी। आंखें खोल के देखो जरा, आउटपुट 10 आ जाएगा। क्या हुआ आउटपुट की, देखो साइंस सिंपल सी है, नम के अंदर एक का इजाफा होना ही होना है किसी भी स्टेज पे, तो नम की वैल्यू नहीं तो क्या हो जाना है 11, उसकी तो स्टोरी लेदर है। तो लेकिन आउटपुट को पहले साइन होनी थी वैल्यू, तो पहले साइन हुई तो वैल्यू क्या होगी उसकी 10, तो 10 प्लस 10 माइनस 1 तो क्या हुआ 9, तो मुश्किल क्या है इसमें। और दोबारा क्योंकि आउटपुट के साथ मैंने माइनस माइनस लगाया ना, उसने आउटपुट की वैल्यू को चेंज करना है, नम के साथ उसका रिलेशन नहीं है, जिस वेरिएबल के साथ मैंने प्लस प्लस या माइनस माइनस लगाया है उसकी वैल्यू चेंज होगी या दूसरे वेरिएबल की चेंज होगी, दूसरे का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। आउटपुट की वैल्यू में माइनस हो जाएगी एक चीज, समझ आ गई। अच्छा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इसके दो डिफरेंट बिहेवियर है, अगर ये राइट साइड पे आ रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर के, तो तीन काम करता है, कौन कौन से, पहले वैल्यू साइन करता है, फिर वेरिएबल में एक का इजाफा करता है अपने वेरिएबल में, देन अपने वेरिएबल की वैल्यू को ओवरराइड कर देता है,
और अगर असाइनमेंट मतलब ऑपरेटर के एक साइड पे नहीं आ रहा तो फिर क्या करते हैं? फिर तो क्योंकि दूसरा वेरिएबल ही कोई नहीं है, वो अपने वेरिएबल को इंक्रीज डिक्रीज करेगा, वो तो सिंपल स्टोरी है। अच्छा, इसी के साथ हमारे पास है डिक्रीमेंट पोस्ट सॉरी प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री का मतलब क्या होगा? वेरिएबल के नाम से पहले आएगा। तो प्री का मतलब ये है कि अगर मैं लिखता हूँ प्लस प्लस नम तो क्या होगा? असाइन का तो चक्कर ही नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था, असाइन का चक्कर तब शुरू होगा जब असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा। तो जब असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है तो पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर बिल्कुल सेम काम करते हैं। क्या काम है उनका? एक का इंक्रीमेंट करके वैल्यू में चेंज कर देना। तो क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी? 11 हो जाएगी, 11 आ गए। अच्छा, डिक्रीमेंट क्या करते हैं? एक माइनस कर देते हैं। देखो ना, मैंने बोला था विदाउट असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा तो दो ही काम है, एक का प्लस कर दो वही वैल्यू अपडेट कर दो, या माइनस कर दो वही वैल्यू अपडेट कर दो, और तीसरा तो काम ही नहीं है। लेकिन अगर ये अब हमारा आता है उसके इक्विवेलेंट, यानी कि अब मेरे पास है वेरिएबल आउटपुट और मैं उसको कहता हूं प्लस प्लस नम वन सॉरी प्लस प्लस नंबर, अब अगर आउटपुट को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा? अब क्या होगा? अब आउटपुट में क्या आंसर आएगा और नंबर में 11, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब प्री से ही समझ में आ रहा है, पहले इंक्रीमेंट करो फिर असाइन करो। तो इसके इसके भी तीन ही काम है, लेकिन अब सीक्वेंस बदल गया उन कामों का। पहले वो असाइन कर रहा था, अब क्या कर रहा है? पहले सबसे पहली जॉब कर रहा है इंक्रीमेंट, फिर वो अपने वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर रहा है, फिर वो तीसरे नंबर पे वैल्यू को असाइन। तो वैल्यू 11 हो गई थी, तो असाइन हुई तो कितनी वैल्यू आ गई? 11। इसी तरह अगर मैं माइनस माइनस नंबर कर दूं तो क्या होगा? दोनों की वैल्यू में क्या आ जाएगा? 9, 9, क्योंकि पहले उसने क्या किया, पहले डिक्रीमेंट किया, फिर उसने अपने वेरिएबल को भी अपडेट कर दिया और असाइनिंग वैल्यू को भी अपडेट कर दिया। तो प्री इंक्रीमेंट वेरिएबल तो क्लियर है और पोस्ट इंक्रीमेंट भी क्लियर हो गया, सही है। तो हमारे पास चार ऑपरेटर है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ऑल गुड। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो आज हमने जो जो ऑपरेटर कवर कर लिए हैं उसमें प्लस ऑपरेटर को हम कंकैटिनेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं, देन मॉडुलस ऑपरेटर, और फिर हमें पोस्ट के ये चार इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये वाले ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए हैं। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो यहाँ तक? सब क्लियर है, समझ आ रही है? सही है।